हेलो जैन दोस्तों, मैं राहुल सिंह, राहुल वाई फाई स्टोरी में एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। फ्रेंड्स, एक बेहद ही इंपॉर्टेंट खबर लेकर के मैं आपके समक्ष आ चुका हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल को रीड किया होगा, जी हाँ, 20,73,000 युवाओं के साथ धोखा किया जा रहा है। जिस प्रकार से आप लोगों ने नोटिस को देखा होगा, रीड किया होगा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयनों ने क्या 31 तारीख को परीक्षा को फिर से प्रस्तावित कर दिया है। जो 24 अगस्त को परीक्षा थी उसके सामने ऑफिशियली क्या कुछ खबरें मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। जैसा कि आप सभी लोग, मैंने ऑफिशियली वेबसाइट ओपन कर रखी है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। लगातार अपडेट प्राप्त करने के लिए, लगातार UPSSC की अपडेट प्राप्त करने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन घंटी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि पल पल की अपडेट आपको अधीनस्थ सेवा चयनों की सभी खबरों को, विशेष तौर पर पेट परीक्षा की लगातार अपडेट आपको सही न्यूज़ दिया जा सके, है ना। आप यहाँ से देख सकते हैं, मैंने ऑफिशियली वेबसाइट ओपन कर रखी है। विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2021 प्रारंभिक अर्हता परीक्षा को लेकर के ये नोटिस है जो जारी की गई थी, आपको पता होगा। आज हम बात करेंगे उसी नोटिस को लेकर के, पहले वो नोटिस हम लोग रीड कर लेते हैं। यहाँ से देख सकते हैं हम लोग नोटिस को, यहाँ से फ्रेंड्स आप सभी लोग वो नोटिस देख सकते हैं जो महत्वपूर्ण चीज़ है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन तृतीय तल गोमती नगर लखनऊ संख्या 99/09/3 पर 2021 खंड लखनऊ दिनांक 13 अगस्त 2020। बिल्कुल एकदम से रियल न्यूज लग रही है फ्रेंड्स, आप सभी लोग देख सकते हैं। लेकिन मैं इसको रीड करने से पूर्व आपको बताना चाहता हूँ, ये न्यूज 101% फेक है, यानी 101% फेक है। लगभग 21 लाख युवाओं के साथ ही आखिरकार सोशल मीडिया पर क्यों धोखा किया जा रहा है, इससे इसके उसको क्या फ़ायदा हो रहा है कि 20 लाख युवा जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको लगातार क्यों डिस्टर्ब किया जा रहा है वायरल नोटिस करके, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बिल्कुल फेक नोटिस है, आप देख सकते हैं ऑफिशियली वेबसाइट पर भी कहीं कुछ नहीं है। आयोग के विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2021 प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के दिनांक 24 अगस्त 2021 को आयोजित की वाली लिखित परीक्षा की तिथि को संशोधित करते हुए आयोग द्वारा उक्त परीक्षा दिनांक 31 अगस्त 2021 मंगलवार को दो पालियों, प्रथम पाली सुबह 10 से 12, द्वितीय पाली अपराह्न 3 से 5 तक कराए जाने का निर्णय लिया गया है। दिनेश परीक्षा नियंत्रक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, तो इस नोटिस में और फेक जो फेक नोटिस है ये और रियल नोटिस में आपको दिखाना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ यहाँ से कंपेयर करके क्या क्या किस प्रकार से फेक है। परीक्षा अभी भी आपकी 24 अगस्त को प्रस्तावित है फ्रेंड्स, और 24 अगस्त को दो पालियों में परीक्षा कराई जाएगी। कल देर शाम मैंने आपको सेंटर भी प्रोवाइड करा दिए थे, 75 जनपद के जितने भी सेंटर बनाए गए हैं आयोग की तरफ से, सेंटर को लेकर के मैंने जितने रिपोर्ट दिया था, हमने लिंक भी दे दिया था डिस्क्रिप्शन में, आप अपने जिले के जितने भी आपके जहाँ भी सेंटर गए हैं आपने सभी सेंटरों को शायद देख भी लिया होगा। आगे अब हम बात करते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ से देख सकते हैं आप सभी लोग, ये दोनों नोट्स हैं आप देख सकते हैं, जो एक रियल न्यूज है, ये रियल न्यूज है आपका, और ये आपका फेक न्यूज़ है। अब दोनों में आप देख सकते हैं डिफरेंस, जिस प्रकार से कितने लाइटली तरीके से चीज़ें हैं और यहाँ पर कितने डार्क तरीके से लिखा गया है। और आप यहाँ से देख सकते हैं ये पेन से बनाए गए हैं, है ना, 98 ये भी चेंज होगा, यहाँ 99 कर दिया गया है ना, ये तो चलिए ये तो सही कर लिया गया है, लेकिन जो पेन का कलर है वो पेन से लिखा गया है। यहाँ रियल न्यूज़ में आप देखते हैं पेन से लिखा गया है 10 तारीख, है ना, लेकिन यहाँ पर पेन से नहीं लिखा गया है, बिल्कुल एकदम से एडिट किया गया है। इसी प्रकार से जो परीक्षा नियंत्रक हैं उनकी सिग्नेचर को बात किया जाए तो वो भी अभी देख सकते हैं कहीं कहीं एक फ्रेश लिख रहा है कि एक फ्रेश सिग्नेचर हुआ है, डेट पढ़ी है और यहाँ पर एडिट किया गया है, और सिग्नेचर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम से एडिट किया हुआ गया है। इसको किस प्रकार से एडिटिंग किया जा रहा है युवाओं की तरफ से मैं बताना चाहता हूँ। ये युवा नहीं है निश्चित तौर पर, ये कहीं कहीं ऐसे सामाजिक असामाजिक तत्व हैं जो 20,73,000 भर्तियों को डाइवर्ट करना चाहते हैं, आयोग को गुमराह करना चाहते हैं इस प्रकार से। तो आप लोग प्लीज़, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो युवा परीक्षा देने जा रहे हैं उनको डाइवर्ट मत करिए, उनको परीक्षा देने दीजिए। आप किसी भी तरीके से फर्जीवाड़ा मत करिए, सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करना कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है। आप पक्की एक लोकप्रियता प्राप्त करिए जो आपको ज़्यादा दिन तक चलेगा, यानी ये नोटिस बिल्कुल 100% फेक है फ्रेंड्स। आप लोग इस पर कहीं भी किसी प्रकार का कोई भरोसा मत करिएगा। अभी भी परीक्षा आपकी 24 अगस्त को ही आयोजित होनी है, दो पालियों में आयोजित होनी है, दिन मंगलवार को। तो दो मैंने आपको बताया एडिटिंग, आप देख सकते हैं ये फ्रेश पेन से लिखा हुआ है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, और सिग्नेचर की बात किया जाए तो भी फ्रेश करना है। 98 वो था, 99 ये तो सही है, लेकिन 31 अगस्त की जो डेट है अभी देखते हैं यहाँ सब कितने डार्क तरीके से बना दिए गए हैं, तो बिल्कुल फेक नोटिस है, कहीं भी कोई सत्यापन नहीं है।
हाँ, लगातार अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और खबर आपको समझ में अगर आ रही हो, क्योंकि हमारे बॉस युवा ये भी कहेंगे कि सर आप भी गुमराह कर रहे हैं। देखिए, मेरा गुमराह करना नहीं, मेरा खबर कर पहुंचाना आप तक मेरा उद्देश्य होता है। मैं आप वही काम अपना कर रहा हूँ फ्रेंड्स। हाँ, मेरा काम है, मैं आपको एकदम पक्की न्यूज़ देना चाहता हूँ, रियल न्यूज़। और मैंने बिल्कुल एकदम से आपको दोनों चीज़ों को सामने रख करके इसकी एक मैंने आपकी व्याख्या की, पूरा आपको एक्सप्लेन किया खैर किस प्रकार से ये फेक है। निश्चित तौर पर कुछ युवा हमारे काफ़ी गढ़े हुए लोग हैं जो पिछले कई सालों से तैयारियां कर रहे होंगे, उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। लेकिन जो नए हमारे बच्चे हैं उनको एक सही और पक्की न्यूज़ पहुंचाना हमारा फर्ज है, मैं आपको पहुंचा रहा हूँ, है ना। तो प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ताकि युवाओं के मन में जो भी चिंता है कि 31 तारीख को परीक्षा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग सभी लोग इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचाइए, है ना। 24 तारीख को मैं आपको बताना चाहता हूँ परीक्षा है, 2 पाली में सुबह 10 से 12 और शाम को 3 से 5 में। आई होप चीज़ समझ में आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को एक बार पुनः बताना चाहता हूँ, लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।